नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इसी बीच पश्चिम चंपारण जिले के उफनाई मसान नदी तो जलमग्न हुआ गुदगुद पंचायत, सैनिक सड़क समेत कई गांव आया चपेट में। आपको बताते चले कि लगातार मूसलाधार बारिश होने से मसान नदी अपनी विकराल रूप धारण कर उफान पर है, जिससे मसान नदी के तटीय गांवों में नदी की रौद्र रूप देख लोगों की बेचैनी बढ़ गई है कि कहीं मसान नदी तटीय गांवों को अपनी आगोश में नहीं ले। दरअसल ये पूरी खबर बघा अनुमंडल अंतर्गत रामनगर प्रखंड के गुदगुदी पंचायत की है, जहां पंचायत के हरिहरपुर समेत विभिन्न गांवों में मसान नदी अपनी विकराल रूप धारण कर ली है, जिससे स्थानीय लोगों में भय एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। मसान नदी की तेज धारा सैनिक सड़क, उरांव टोली, मियां टोली सहित कई गांवों को प्रभावित कर दिया है, जिससे गांवों में बाढ़ की पानी घुस गया है तथा आवागमन भी प्रभावित है। वही गुदगुदी पंचायत के मुखिया प्रमोद ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए बताया कि लगातार बारिश होने से मसान नदी अपनी उफान पर है। मसान नदी अपनी धारा से रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिससे आवागमन भी प्रभावित है। मसान नदी के कहर से हरिहरपुर गांव समेत सैनिक सड़क भी प्रभावित है, जिससे पूरा गांव जलमग्न है। मुखिया ने बताया कि मसान नदी तांडव से फसलों में बाढ़ की पानी घुस गई है, जिससे फसलों की काफी नुकसान होने की संभावना व्यक्त की है। मुखिया ने मसान नदी के तटीय गांव को बचाने के लिए आपदा विभाग व जिला प्रशासन से राहत व बचाव कार्य कराने की मांग की है। ऐसे ही तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता रईसुल आजम के साथ कैमरामैन कलीम कुरैशी की खास रिपोर्ट। अभी पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हरिहरपुर वृंदावन में पानी इतना ज्यादा हो गया कि आदमी घर में पानी घुस गया है। मैं गुदगुदी पंचायत के मुखिया श्री प्रमोद ठाकुर। आज हमारे पंचायत में करीब है हरिहरपुर उरांव टोली में पूरे गांव में पानी करीब 10 बजे से प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोग अपने घर से निकल के टापू पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और खाना भी अभी खाना पीना सब बंद हो चुका है, आवागमन भी बंद है। नावका टोला, उरांव टोली, नावका टोला, मियां टोली, यह 4-5 वृंदावन गांव में करीब पानी प्रवेश कर चुका है। लोग काफ़ी त्राहिमान में है। मैं आला अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग आकर स्वतः इसको जांच करें। जहां तक सुविधा मिलने वाला है, सरकार सुविधा इन लोगों को दे। नमस्कार, मेरा नाम निहारिका नूतन है और मैं रामनगर प्रखंड की प्रमुख हूं। मैं यहां पे रामनगर क्षेत्र में एक छोटा सा अपना कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही हूं, जो होम केयर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है और उसके इंजीनियर हैं मसूद आलम। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मतलब कम पैसे में उन्होंने जो क्वालिटी दी है, जो सेवा दिया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। मैं चाहूँगी कि जो क्वालिटी वो मुझे दे रहे हैं वो बाकी हमारे क्षेत्र के लोगों को भी दे और लोगों को पता चले कि वो कितनी अच्छी सर्विस देते हैं और उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो सबको एक बार उनको सेवा का मौका देना चाहिए और मेरे हिसाब से वो यहाँ के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प है, तो लोग उनसे एक बार संपर्क करें।